एक सामान्य सी बात है, चंद्रमा शीतलता देता है और सूर्य उष्णता देता है। कारण यह है कि चंद्रमा के प्रकाश से ही सूर्य, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा में स्वाभाविक शीतलता है, तो वह शीतलता संसार को प्रदान करता है। जो मनुष्य जैसा होता है उसके विचार वैसे ही होते हैं, जैसे विचार होते हैं वैसे ही उसकी वाणी होती है, और जैसी वाणी होती है वैसा ही वो कार्य करता है। शास्त्रों में क्या कहा गया है, जो जैसा होता है वैसा ही सोचता है, और जो जैसा होता है वैसा ही कहता है, जो जैसा कहता है वैसा ही करता है, और जैसा कार्य होता है उसके अनुसार उस परम तत्व को प्राप्त होता है। वाणी हमारी कैसी होनी चाहिए, ये श्रृंगार का प्रकरण है। हक मासूक की जुबान की सिफत, अक्षरातीत से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। इस संसार क्या बेहद में कोई नहीं है, परम धाम में कोई नहीं है। जो जितना महान होता है, जिनकी जैसी बुजुर्ग की जुबान हो तीन माफक, हमें आज के इस श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण से शिक्षा लेनी होगी कि आप देखिए इस संसार में सबसे बड़ा व्यक्ति किसको माना जाता है, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को। इस संसार में अनेकों देश हैं, भारत है, अमेरिका है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति मान लीजिए कि सरसावा नगरी में आ जाए, चाहे आपके देश के प्रधानमंत्री आ जाए, तो कितनी सुरक्षा व्यवस्था होती है। एक सामान्य व्यक्ति को वहां जाने का अधिकार नहीं होता, क्यों, क्योंकि प्रधानमंत्री सबसे अलग माना जा रहा है, राष्ट्रपति सबसे अलग माना जा रहा है। गांव में एक समान व्यक्ति किसी बात पर खींच सकता है, गुस्से में लाल हो सकता है, लेकिन यदि सोचिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी गुस्से में लाल हो जाएं तो क्या होगा, सारे संसार में तहलका मच जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। ये तो एक छोटे से देश के राष्ट्रपति हैं। पृथ्वी पर हमारी जो पृथ्वी है, इस सौर मंडल की एक छोटा सा ग्रह है सौर मंडल का, और हमारी गैलेक्सी में ये पृथ्वी वैसे ही है जैसे समुद्र के किनारे एक धूल का कण होता है। सौर मंडल जिसको हम 14 लोकों का ब्रह्मांड कहते हैं, इसके स्वामी कौन है, विष्णु भगवान। विष्णु भगवान जो भी अवतार लेते हैं, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आप देखेंगे कि परशुराम अवतार के अतिरिक्त सभी में माधुरिता की मूर्ति रहे। विष्णु भगवान 14 लोकों के मालिक कहे जाते हैं, और आदि नारायण क्या है, अक्षर का मन अव्याकृत कहलाता है। अक्षर के मन अव्याकृत के सपने का स्वरूप है। एक आदि नारायण के अंदर असंख्य ब्रह्मा विष्णु शिव हैं। आप सोचिए कि अव्याकृत जो अक्षर का मन कहलाता है, उसके परे सबलिक केवल सत्स्वरूप है। सत्स्वरूप से परे अक्षर का जो स्वरूप है वह सत्ता का स्वरूप कहलाता है, प्रेम का स्वरूप नहीं कहलाता। उस अक्षरातीत के बारे में यहां कहा गया है कि अक्षरातीत का हृदय कैसा होगा। अक्षरातीत का जो हृदय प्रेम का अनंत सागर है, आनंद का, दया का, उसके हृदय में जो प्रेम की अनंत तरंगे उठती तो वाणी कैसी होगी। आप सहज ही जान सकते हैं, यदि आपके घर कोई आता है और आप उससे प्रेम के शब्दों में कुछ बोल देंगे तो उसको हमेशा याद रहेगा, और एक चुभने वाली बात आप बोल देंगे तो जीवन में कभी नहीं भूलेगा। शब्दों के घाव कभी नहीं मिटते, तलवारों के घाव दवाइयों से हरे भरे हो जाते हैं।
इससे कबीर ने क्या कहा है, बोली एक अमूल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तमुख बार। लेकिन इसके कई भेद हैं। द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य मौन है। माधुरिता की मिठास की कैसी व्याख्या होती है मैं आपको बता रहा हूं। विदुर जी कठोर शब्द में दुर्योधन को फटकारते हैं, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य दुखी हैं, उनके आंख में आंसू हैं, लेकिन सिर नीचा किए हुए, एक शब्द भी दुर्योधन को नहीं बोल रहे हैं। और विदुर कठोर शब्दों में कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र, ये तुम्हारा पुत्र इस वंश का विनाश कर देगा। बोलने में कठोरता है, लेकिन वो उसको मीठी भाषा कहा जाएगा, क्योंकि भावना सही है। आप देखिए, भारत में सबसे मीठी भाषा क्या होती है, मैथिली, जो मिथिला के इलाके में होती है। रुखी भाषा कौन होती है, आजमगढ़ के पास की भाषा बहुत रुखी होती है। और इधर जो पूर्वी यूपी की जो भाषा होती है, भोजपुरी वगैरह, वो भी मीठी होती है। लेकिन उसी क्षेत्र में, आजमगढ़ के क्षेत्र की जो भाषा होती है, गाजीपुर के क्षेत्र की, रुखी होती है। आप लखनऊ से जितने पश्चिम आते जाएंगे, वाणी में रुखापन बढ़ता जाएगा। पंजाब हरियाणा में बहुत अधिक भाषा रुखी हो जाएगी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि यहाँ के लोग खराब होते हैं। भावना तो अच्छी होती है, लेकिन बोलने का जो उच्चारण है, प्रवाह से रुखा हो जाता है। उसी तरह से आप उत्तराखंड में जाइए, नेपाल में जाइए, पहाड़ी भाग में जहाँ भी जाइए, बोलने का प्रवाह माधुरता रहेगा। यूरोप में जाइए, कोई आपको तेज आवाज में नहीं बोलेगा, कोई गुस्सा होकर के नहीं बात करेगा। हर व्यक्ति की जबान में मिठास रहेगी। कोई किसी भी अंग्रेज से बोलेंगे तो अपरिचित भी रहेगा, सामने से आएगा तो आपका अभिवादन करेगा, सामने से बोलने में शिष्टाचारता रहेगी। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि वे सचमुच ही महान है। रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहा जाता है कि जब वे साधना करते थे तो लंबी लंबी समाधियों में रह जाते थे। उनको ध्यान नहीं रहता कई कई दिन तक कि मैंने कुछ खाया है कि नहीं पिया है। तो एक महात्मा थे, उनका मुंह जबरन खोलकर उसमें दूध डाल दिया करते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि परमहंस जी को तो कोई सुधा ही नहीं। यदि मैथिली भाषा बोलने वाला व्यक्ति किसी को गाली भी देता है तो ऐसा लगता है कि बहुत मीठा, बहुत अच्छा बोल रहा है। मेरे कहने का से क्या है, जगह जगह पर वाणी का लहजा कुछ कठोर होता है, कहीं कोमल होता है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है हृदय की मिठास। मीठी जुबान मीठे वचन, मीठी जुबान मीठे वचन, वाणी मीठी है, शब्द मीठे हैं। वाणी और शब्द के मीठे होने का तात्पर्य क्या है, जैसे आज होली का त्यौहार है, होली के त्यौहार में लोग प्रेम की भाषा में कुछ बहुत अटपटी भाषा बोल जाते हैं। इधर का हमें पता नहीं, लखनऊ से पूरा बचपन में मैंने देखा है, लोग जैसे एक शादी विवाह में परंपरा है, गाँव में एक गाली गाई जाती है। मुझे तो मालूम नहीं है, 25-30 सालों से इसका अनुभव नहीं है, लेकिन सुना है कि जब बारात आती है तो वधू पक्ष वाले वर पक्ष वालों को गाली देते हैं, तो उस गाली के गीतों में गाली होती है और उसको सुनने के लिए हर कोई तरसता है। शब्दों में गाली है लेकिन भावों में मिठास है। उधर मैथिली मिथिला के इलाकों में, बिहार के भोजपुर जिले में, शब्दों में मिठास होगी, लेकिन हो सकता है वहाँ की संस्कृति ऐसी बन गई है कि कोई आपका मर्डर भी कर सकता है। कहने का से क्या है, तीन चीज़ें हैं वाणी की मिठास में। भावना मीठी होनी चाहिए, शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए, और उच्चारण में भी जो ध्वनि निकल रही है उसमें भी मिठास हो, तब उसको कहते हैं कि वास्तविक ये मीठी वाणी है।
हम किसी को मीठे शब्द तो मीठे हैं, हृदय में कड़वाहट है तो उसको मिठास नहीं कहा जा सकता। हृदय की भी मिठास हो, शुभकामनामय वाणी हो, उसको कहते हैं सम्यक बात। हो सकता है यदि मान लीजिए कि कोई बच्चा है, कोई विद्यार्थी है, उसका आचार्य उसकी गलतियों पर भी उसको सिखाना नहीं चाहता, दुलार करता है, तो इसका तात्पर्य क्या है? वह माता पिता और शत्रु हैं आचार्य, जो उस बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हृदय में यदि भावना है कि मेरा बेटा, मेरा विद्यार्थी महान बने, तो रुखा भी बोलना पड़ेगा, तो वही रुखी भाषा उसके भविष्य का निर्माण करेगी। और यदि कोई एक बच्चा है, चोरी करके लाता है और माँ कहती है कि बेटे तू बैठ जा और ये खा ले, तो क्या सोचेगा? मैंने तो बहुत अच्छा कार्य किया है। दिन पर दिन वह चोर शेर से महाचोर हो जाएगा। यदि विद्यार्थी अपना गृह कार्य पूरा नहीं करता है और आचार्य उसको कोई स्नेह भरा दंड नहीं देता है, उसको दुलार ही करता रहता है, तो क्या होगा? वो विद्यार्थी भी भटक जाएगा और उसके भविष्य का निर्माण नहीं हो पाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है? तीन चीजें हैं। अक्षरातीत का हृदय ही तो सखियां हैं। परम धाम में कोई किसी का अनिष्ट सोच ही कैसे सकता है? इसलिए तीनों गुण है परम धाम में। हृदय में प्रेम है, अपना हृदय दूसरों के प्रति लुटाने की भावना है। जिसको लुटाया जा रहा है वो कोई पराया नहीं है, बल्कि राज्य के ही अंग है। और अपना हृदय उड़ेलना है, अपना हृदय सौंपना है, तो आप सोचिए राज्य हर ब्रह्मात्मा से कैसे बात करेंगे? इस संसार में क्या होता है कि हमें अपने और पराये के बीच एक बहुत बड़ी रेखा है। जैसे एक सच्ची घटना मैं बताता हूँ, महाभारत का दृश्य आपने देखा है। महाभारत में भीष्म पितामह ने कह दिया कर्ण से कि मैं यदि कर्ण युद्ध करता है तो मैं युद्ध नहीं करूँगा। भीष्म पितामह ने कही कड़वी बात, लेकिन भीष्म पितामह क्या चाहते थे? उनको मालूम था कि कर्ण अर्जुन का बड़ा भाई है और यदि ये पहले से युद्ध करेगा तो अर्जुन को मार देगा। और भीष्म पितामह कर्ण को युद्ध से अलग रखना चाहते थे, इसलिए ऊपर से कठोर हैं कि यह सुत पुत्र यदि युद्ध करेगा तो मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं सेनापति का पद स्वीकार नहीं करूँगा। लेकिन उनके मन में कर्ण और अर्जुन दोनों की हित चिंता है कि दोनों सगे भाई हैं, दुर्योधन तो अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग कर रहा है। कर्ण को लगता है कि भीष्म पितामह जब तक मरेंगे नहीं तब तक मुझे युद्ध में भाग लेने को नहीं मिलेगा, तो वो मनाया करता है कि कब भीष्म पितामह या तो मरे या वीरगति को प्राप्त हो। अब देखिए भीष्म पितामह की भावना को कर्ण नहीं समझ रहा है। दुर्योधन के मन में कड़वाहट है, वो भीष्म पितामह का भी अपमान करता है, द्रोणाचार्य का भी अपमान करता है, कृपाचार्य का भी अपमान करता है, भरी सभा के बीच में अपमान करता है। शकुनी ऊपर से मीठा बोलता है, शब्दों में मिठास है, हृदय में तलवार है। शकुनी को आपने कभी किसी के साथ गुस्सा में बात करते हुए नहीं देखा होगा। दुर्योधन अंदर से भी कड़वा है, ऊपर से भी कड़वा है। युधिष्ठिर अंदर बाहर दोनों एक तरफ हैं। युधिष्ठिर कभी क्रोधित नहीं होते, युधिष्ठिर ने क्रोध को जीत लिया है। युधिष्ठिर की भाषा सम्यक वाक है, शकुनी की भाषा अलग है। भीष्म पितामह कठोर भी बोलते हैं, वो पूरे कौरव कुल में सबसे अधिक वयोवृद्ध हैं। जब महाभारत का युद्ध हो रहा है तो उनकी उम्र 172 साल की है। सबसे वयोवृद्ध है द्रोणाचार्य जिनकी उम्र 400 वर्ष है। अर्जुन भीम नकुल सहदेव सबकी उम्र 75 से लेकर 85-90 तक है। द्रौपदी भरी सभा के बीच में कह देती है कि अंधों के बेटे अंधे ही तो होते हैं, ये दुर्योधन को भी ये बात भूलती नहीं है। और जो उसने स्वयंवर के समय में कहा था कि सुत पुत्र के साथ नहीं मेरा गठबंधन हो सकता, जो भरी सभा के बीच में सुत पुत्र का
अर्जुन ने जब कौरव पांडव की परीक्षा ली गई कि कितनी विद्या सीखी है, उस समय भी अर्जुन और भीम ने कर्ण को जो सूत पुत्र कहा, उसका परिणाम क्या हुआ? कर्ण के हृदय से वो पीड़ा कभी नहीं गई और उसी का परिणाम यह हुआ कि महाभारत के युद्ध की भूमिका बनती है। यदि कर्ण को द्रौपदी, अर्जुन, भीम ने शब्दों के बाणों से आहत नहीं किया होता तो शायद कर्ण दुर्योधन पर पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाता। कर्ण को मालूम है कि दुर्योधन कदम कदम पर पाप कर रहा है, लेकिन कर्ण के आहत भरे हृदय पर जो मरहम लगाया दुर्योधन ने अपने स्नेह का, मित्रता का, कर्ण उस एहसान से इतना दबा रहा कि अपने भाइयों पर तीर छोड़ने में उसको झिझक नहीं हुई। यह ठीक है कि उसने कुंती को वचन दिया था कि मैं अर्जुन के अतिरिक्त किसी के प्राण नहीं लूंगा, अन्यथा महाभारत के युद्ध में कर्ण चाहता तो चारों पांडवों का वध कर सकता था। उसने अर्जुन के अतिरिक्त भीम को, युधिष्ठिर को, नकुल, सहदेव को बंदी बनाकर भी छोड़ दिया। चाहता तो मार सकता था लेकिन नहीं मारा। कहने का से क्या है, एक द्रौपदी के कट वचन ने महाभारत की भूमिका तैयार कर दी, जिसका परिणाम क्या हुआ, 47 लाख लोग मारे गए। जैसे कि मैंने कहा, किसी के मन में किसी के प्रति कड़वाहट है तो वह कटु वचनों से भी ज्यादा घातक है, और कटु वचन तलवार की मार से भी ज्यादा घातक होते हैं, क्योंकि शकुनी के मन में पाप है, शकुनी के मन में कड़वाहट है कि मेरी बहन का विवाह अंधे के साथ हुआ है तो मैं इस पूरे वंश का विनाश करूंगा। वो ऊपर से सबके साथ अच्छा बोल रहा है, यहाँ तक कि युधिष्ठिर, अर्जुन सबसे अच्छा बोलता है, लेकिन उसके एक एक शब्द में व्यंग होता है। उसके अंदर जो ज्वालामुखी है वैर का, वो दुर्योधन को उकसाता है, धृतराष्ट्र को उकसाता है, कर्ण को साथ ले लेता है, दुर्योधन और दुशासन का साथ मिलता है। कर्ण, दुर्योधन, दुशासन और शकुनी, ये चारों मिलकर षड्यंत्र रचते हैं जिसका परिणाम होता है महाभारत का युद्ध। कड़वाहट कहाँ से पैदा है, शकुनी के हृदय से। वह शकुनी के हृदय की कड़वाहट दुर्योधन के अंदर आती है, धृतराष्ट्र के अंदर आती है। यदि ये आपस में जाकर मारपीट कर लिए होते, गाली गलौज भी कर लिए होते तो उनके मन की कड़वाहट मिट जाती। मन की कड़वाहट को दबाए रखना बहुत घातक होता है, क्योंकि वो कभी ना कभी ज्वालामुखी बनकर के निकलती है। किंतु कि यदि कोई ऐसा महान व्यक्तित्व हो जो मन में भी कड़वाहट ना रखे, सबके प्रति कल्याण की भावना रखे, उसकी वाणी सम्यक हो तो सोने में सुगंध होती है। जैसे एक नीति की शिक्षा है, सत्यम ब्रियात, सत्य बोलिए, प्रियम ब्रियात, प्रिय बोलिए, न ब्रियात सत्यम अप्रियम, सत्य और अप्रिय न बोलना चाहिए। यही क्या है, ऐसा धर्म सनातन, यह सनातन धर्म है, सत्य, प्रिय और हितकारी बोलिए, लेकिन सत्य और अप्रिय न बोलिए। सत्य हो लेकिन कट वचन हो। कोई वैवृद्ध व्यक्ति है तो आप उसको आदरपूर्वक कहे कि बाबा जी ये ले लीजिए, और कहते कि अरे बुड्ढे ये ले लो। आप किसी को एक गिलास पानी दे रहे हैं और उसको अपशब्दों से बोल रहे हैं तो आखिर वो क्यों पिएगा? क्योंकि शब्दों के घाव तीर की तरह हृदय में लगते हैं। आप शकुनी न बनिए, शकुनी मीठा बोलता था लेकिन अंदर विष भरा था। दुर्योधन अंदर से भी विषैला था, ऊपर से भी विषैला था। युधिष्ठिर अंदर भी मीठे हैं, ऊपर भी मीठे हैं। आपने देखा होगा विपरीत से विपरीत परिस्थिति में युधिष्ठिर अपने धैर्य नहीं खोते। जब पांचों पांडवों के साथ उनको वन जाना होता है, द्रौपदी को नग्न करना चाहता है, आप सोचिए किस अवस्था में पांचों पांडवों ने सहन किया होगा केवल धर्म की मर्यादा के लिए। आप होते तो वहां क्या करते, आप संतुलन खो बैठते। भीम ने काफी कुछ अपने को सहन किया, केवल युधिष्ठिर का आदेश था, अन्यथा
भीम से यह सहन नहीं हो सकता था। वह जो आग जलती रही, जो शकुनी के अंदर की आग जलती थी, वो कभी लक्षागृह का निर्माण कराता है, कभी कुछ करता है, वो पांडवों को मार ही देना चाहता है। जब कुछ नहीं हुआ तो वो षड्यंत्र रचता है। आज जो चौपाई है, जैसे कि आप आपको मैंने कहा, आप पश्चिमी देशों में जाइए, यूरोप में जाइए, वहाँ की शालीनता को देख करके आप दंग रह जाएंगे। हर व्यक्ति आपसे इतने प्रेम से बोलेगा कि आप सोचेंगे कि क्या होता है। दो चीज़ें होती हैं, यदि आपके भोजन में रजोगुण की प्रवृत्ति है, जैसे अभी मैं गुजरात गया था, उधर का भोजन रजोगुणी होता है, जहाँ के लोग तीखी मिर्चें ज़्यादा खाते हैं वहाँ रजोगुण की प्रवृत्ति है। मिर्च मसाले, लहसुन प्याज, गर्म मसाले जो खाते हैं, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी का प्रयोग करते हैं, तो उनकी वाणी में कर्कशता आ जाती है, तीखापन आ जाता है। लेकिन उनका हृदय यदि धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है तो निर्मलता होती है। अब आप कहेंगे कि यूरोप वालों की भाषा तो मधुर है, यूरोप वाले में कोई कड़वा नहीं बोलता। हमारे यहाँ जो खान पान की प्रवृत्ति है मुगल काल की काफ़ी है। आजकल हिंदू लोग जो खाते हैं वो शुद्ध प्राचीन संस्कृत के अनुसार का भोजन नहीं है। मुगलों ने यहाँ 1000 वर्षों तक जो राज किया, मुगल आए, अफगान आए, पठान आए, तो ये सभी मांसाहारी थे। देखिए, यूरोपियन भी मांस खाते हैं और अरब देशों के लोग, अफ्रीका, ईरान या मध्य एशिया के लोग भी मांस खाते हैं। दोनों के मांस खाने में अंतर होता है। लखनऊ में मैंने सुना है जो मांस का, एक मुर्गे के मांस का वो बनाते हैं, उसमें कितने मसाले इतने डालते हैं कि जीभ पर रखते ही गल जाए। अंग्रेज ऐसा नहीं खाते। उनकी जो भोक्तावादी जो संस्कृत है कि हमें मांस चाहिए। लेकिन एक बात देखिए, एक मुस्लिम जानवर को तड़पा तड़पा कर मारेगा, एक क्रिश्चियन वैसा तड़पा तड़पा कर नहीं मारेगा। बुचड़ खाने में उनकी ऑटोमेटिक व्यवस्था होती है। अंग्रेज महिलाओं का हृदय काफ़ी कुछ कोमल होता है, वो पढ़ी लिखी होती हैं, इसलिए वो मांसाहार तो करते हैं, शराब तो पीते हैं, लेकिन उनके हृदय में एक कोमलता का अंश होता है। आप पश्चिमी देशों में जाएंगे तो कुत्ते को भी कोई डंडा नहीं मार सकता, आपको जेल हो जाएगी यदि आप कुत्ते पर प्रहार करते हैं। तो किसी भी जानवर को आप प्रताड़ित करते हैं, आपने अपने घर पर जानवर पाल रखा है और उसको आप डंडे डंडे मारने लगे तो आप भी आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। अरब देशों में ऐसा नहीं है। मेरे कहने का आशय क्या है, इस संबंध में एक चौपाई है। पहले एक घटनाक्रम समझ लीजिए। एक राजा वन में जाता है, रास्ता भूल जाता है, रास्ते भूल कर वो मार्ग खोजते खोजते एक महात्मा की कुटिया पर पहुंचता है। वो अपने एक सैनिक को भेजता है कि जाकर के पता करो इस वन से निकलने का क्या रास्ता है। सैनिक खोजते हुए देखता है कि एक बाबा जी बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं। जाकर के कहता है कि बुड्ढे, इस वन से जाने का क्या रास्ता है। वो महात्मा कुछ नहीं बोलते हैं, चला आता है। राजा से कहता है कि महाराज, मैंने एक बाबा को देखा, ध्यान कर रहा था, उसको मैंने पूछा कि रास्ता बताओ, कुछ बोला नहीं। राजा ने इसके बाद कोतवाल को भेजा। कोतवाल भी आकर कहता है कि बाबा, मुझे बाहर जाने का रास्ता बता दो, तब भी नहीं बोलता है। तीसरी बार राजा ने अपने प्रधानमंत्री को भेजा। प्रधानमंत्री आकर कहता है कि महात्मा जी, मुझे वन से बाहर जाने का रास्ता बता दीजिए। तीनों देख रहे हैं कि बाबा तो अंधा है, बाबा तब भी नहीं बोलते हैं। चौथी बार राजा आता है। राजा पहले तो प्रणाम करता है, प्रणाम करके कहता है कि महाराज, आपकी कृपा होगी, हम वन में भटक गए हैं, इस वन से बाहर जाने का हमें रास्ता बताने का कष्ट करें। वो महात्मा जी बोलते हैं कि देखो महाराज, इधर से ऐसे ऐसे करके चले जाओ।
राजा पूछता है कि महाराज मेरे से पहले सैनिक आया, कोतवाल आया, प्रधानमंत्री आया, आपने कैसे पहचान लिया कि मैं ही राजा हूँ? महात्मा ने कहा कि आपकी बोली ने बता दिया कि आप महाराज हैं। आपका सैनिक आया तो हमको बुढ़ा कहा, आपका कोतवाल आया तो उसने बाबा तो कहा लेकिन उसने बेरुखा बोला, प्रधानमंत्री आया तो उसने मुझे महात्मा तो कहा लेकिन प्रणाम उसने भी नहीं किया, और आप आए तो मुझे श्रद्धापूर्वक प्रणाम किए, आदरपूर्वक पूछे, आप जैसी भाषा किसी की नहीं, तो मैं समझ गया कि ये राजा की भाषा है। जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही महान होता है। आप परम धाम की ब्रह्मात्मा हैं तो समाज भी आपसे ऐसी ही अपेक्षा करेगा। जाको नामे रसना होसी कैसी बिठी है। रसना किसको कहते हैं? जीवा को। ये जीवा कर्मेंद्री भी है और ज्ञानेंद्री भी है। ज्ञानेंद्री के रूप में 6 रसों का सेवन करती है, बताती है कि कड़वा है, खट्टा है, कैसा है, और कर्मेंद्री के रूप में ये बोलती है। यदि जीवा न हो तो हम बोल नहीं सकते। जाको नामे रसना होसी कैसी मिठी हक, जिनकी जैसी बुजुर्ग की जुबान हो तिन मापन। जो जितना बड़ा होता है उसकी भाषा भी वैसे ही होती है। आगे एक बहुत महत्वपूर्ण चुपाई है, मीठी जुबान, मीठे वचन, मीठा हक, मीठा रूमो प्यार। राज्य क्या है? मीठा हक माधुरता के सागर है। मीठी रूह लेवे मीठे अर्श की, जो मीठा करे विचार। शर्त रखती है, जो मीठा करे विचार, यदि कोई परमात्मा मीठा करे विचार, मीठी रूह लेवे मीठे अर्श की। इस खेल में हमारी आत्मा क्या है? परात्म की अंगरूपा है। परम धाम में सभी माधुरता के सागर हैं। एक पुरुष की 2 पत्नियां हो जाएं तो जानते हैं घर में बेचारा वो शांति से रह नहीं सकता, दोनों लड़ती रहेंगे। यदि परम धाम में प्रेम ना हो तो राजी ही पागल हो जाएं, उनके झगड़े कौन निपटाएगा? लेकिन परम धाम में वहदत है। वहाँ हर कोई अपने से दूसरों को अनंत गुना चाहता है, करोड़ों गुना नहीं, अनंत गुना। कोई अपने को नहीं चाहता, झगड़े क्यों होते हैं? सबका अंग खड़ा होता है। जब हर कोई अपना स्वार्थ सोचता है तो झगड़ा स्वाभाविक है, अहंकार रहेगा तो झगड़ा होगा। मीठी जुबान, मीठे वचन, मीठा हक, मीठा रूह प्यार, ये परम धाम में है। परम धाम में मीठी, सबकी मीठी जुबान है। राज्य, श्यामा जी, सखियां, खूब खुशहालियां, सबकी, सभी के हृदय में क्या है? प्रेम की माधुरता है। मीठा हक, मीठा रूह प्यार, राज्य भी माधुरता के सागर हैं और परमात्माओं के साथ उनका मधुर प्रेम है। मधुरतम, मधुर, माधुरता की पराकाष्ठा, उससे अधिक माधुरता किसी में नहीं हो सकती। मीठी रूह लेवे मीठे अर्श के, परम धाम में हर परमात्मा परम धाम की अनन्य माधुरता का रस लेती है, किंतु इस संसार में भी लेगी, जो मीठा करे विचार। यदि, जो का तात्पर्य क्या होगा? यदि परम धाम की आत्मा मीठा करे विचार, उसके विचारों में माधुरता होगी। अब यहाँ हमें सोचना होगा कि हमें क्या करना है। देखिए, हमारा हृदय जैसा होता है दूसरों के बारे में वैसे ही हम सोचते हैं। हो सकता है हम ऊपर से किसी से बहुत मीठा बोलते हैं लेकिन हृदय में कड़वाहट रखते हैं। एक नीति का कथन है, परोक्ष कार्यम हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जेत तादृशम मित्रम विष कुंभम पयोमुखम। जैसे प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, सामने कोई मीठा बोलता है, परोक्ष कार्य महंतारम, और परोक्ष कार्य महंतारम पीठ पीछे कार्य की हानि करता है, और सामने प्रत्यक्ष में मीठा बोलता है, परोक्ष कार्य महंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह क्या है? विष कुंभम पयोमुखम, ऐसा दूध से भरा हुआ घड़ा तो है लेकिन उस दूध में
20 मिला हुआ है, सोने का घड़ा हो उसमें दूध रखा हो लेकिन उसमें यदि 20 डाला जाता है तो उसकी गति ऐसी ही होती है। जो सच्चा मित्र क्या होगा, सच्चे मित्र का लक्षण क्या है, पापात निवारयत, पाप से छुड़ाता है, युजयते हिताय, हित के कार्यों में लगाता, पापात निवारयत युजयते हिताय, गुह्यान निगोहत, गुह्य बातों को छिपाता है। जो सच्चा मित्र होगा संसार के सामने अपने मित्र को नंगा नहीं करेगा, लेकिन वह यदि गलती देखता है तो अकेले में उसे अवश्य कहेगा। ऐसा नहीं कि यदि उसका मित्र गलत रास्ते पर चल रहा है तो वो कह देगा कि नहीं नहीं ठीक है चलते रहो, ये शुभचिंतक का कार्य नहीं होता है। शुभचिंतक जो होगा गलत कार्य से अवश्य रुकेगा, अकेले में जरूर कहेगा कि नहीं ये गलत कार्य हो। यदि राजा चाटुकारों से घिरा हो तो क्या होगा, वो राजा का राज नष्ट हो जाएगा। एक राजा था, उसको किसी ने कहा कि महाराज देखिए बैगन बहुत अच्छा होता है, तो राजा ने भरपेट ज़्यादा खा लिया, राजा को दस्त लग गया। राजा ने कहा कि ये तो बैगन बहुत ख़राब था, मुझे दस्त लग गए। तो जो चाटुकार दरबारी थे पहले दिन तो कहा था कि देखिए महाराज इस पर ये बैगनी रंग है जैसे कृष्ण जी हों, और इसकी डाल ऐसी लग रही है जैसे कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हों। राजा ने सोचा था कि बैगन बहुत अच्छा है, जब दस्त लगने के बाद राजा ने बुराई की तो सारी चाटुकार मंडली कहने लगी हाँ महाराज तभी तो इसको बेगुन कहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, शुभचिंतक को यथार्थवादी होनी चाहिए, जो सत्य है सत्य कहे, जो गलत है गलत कहे, लेकिन कटुवचन न कहे। राजा को एकांत में सही राय देने वाला होना चाहिए। जो राजा सच्चे सलाहकार से घिरा रहता है उस राजा का राज्य हमेशा बढ़ता रहता है। लेकिन सलाह ऐसी नहीं कि भरी सभा के बीच में राजा को ही फटकार दिया कि तुम ऐसे हो, ऐसा नहीं। शालीनता का भी ध्यान रखना चाहिए, अस्पष्टवादी भी होनी चाहिए, सत्य भी होना चाहिए, प्रिय भी होना चाहिए और हितकारी भी होना चाहिए। राज्य ने क्या कहा है, मीठी रूह लेवे मीठे अर्थ के, हमारे अंदर परमधाम की आत्मा है, परमधाम की आत्मा माधुरता का सागर है क्योंकि परात्मा का प्रतिबिंब है। मीठी रूह लेवे मीठे अर्थ की, परमधाम मिठास है, आत्मा भी माधुरता की रस की मूर्ति है, परमधाम तो माधुरता का सागर ही है, लेकिन उसको माधुरता का एहसास तब होगा जो मीठा करे विचार। ये मीठा विचार नहीं हो पाता है। हमें नीति की शिक्षा याद रखनी चाहिए, जो तो को काटा भूवे ताही भूवे तो फूल, फूल को तो फूल है वाको है त्रिशूल। एक महात्मा जी नदी की धारा में स्नान कर रहे थे, देख रहे थे कि बिच्छू बह रहा है, बिच्छू को जब हाथ से उठाकर बाहर निकालने की कोशिश करते बिच्छू डंक मारते था। किसी ने कहा कि महात्मा जी ये बार बार डंक मार रहे हैं, आपको क्यों क्यों इसको निकालना चाहते हैं। महात्मा जी का उत्तर था कि भाई इसका काम है डंक मारना, मेरा कार्य है इसको निकालना। हम सुंदर साथ किसी के प्रति दुर्भावना से ग्रसित हो जाते हैं तो हमारे विचारों में परिवर्तन हो जाता है कि नहीं, उसका अनिष्ट सोचने लगते हैं। यह ध्यान रहे, हमारी वाणी भी मीठी होनी चाहिए, हमारा हृदय भी मीठा होना चाहिए, हम शत्रु का भी मन वाणी कर्म से अहित न सोचें, न उसका बुरा करें। वह अहित करता है, हमें अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन हमें अपनी वाणी को न तो कटु बनाना चाहिए, न अपने हृदय को कटु बनाना चाहिए, न अपने विचारों को कटु बनाना चाहिए। मैंने आपको बताया कि यूरोप वाले भी मीठा बोलते हैं और बिहार में भोजपुर और मिथिला के इलाके के लोग भी मीठा बोलते हैं, लेकिन यूरोप में उपभोक्तावादी होने के कारण उनको कहीं से भी मांस चाहिए, शराब चाहिए, संसार भूखो नंगे रहे उसकी उन्हें चिंता नहीं, उनके घर धन होना चाहिए। यदि आज यूरोप और अमेरिका चाहें कि संसार में शांति रहे तो कोई युद्ध नहीं होगा, सारे संसार को लड़ाते कौन है, ये यूरोप अमेरिका वाले ही लड़ाते हैं। यूक्रेन रशिया का युद्ध हो रहा है, लड़ रहे हैं वो बेचारे, वहाँ की लाखों जनसंख्या मारी गई, पर्दे के पीछे कौन है, अमेरिका और यूरोप। धन संसार का लूट कर इकट्ठा करते हैं, खूब मीठा बोलते हैं, अपनी उपभोक्तावादी संस्कृति,
जो मुगल अकरंता है वो क्या करते हैं, तलवार चलाते हैं, दूसरों का खून करते हैं। वो मुख से भी कड़वे हैं और वाणी से भी कड़वे हैं, दिल से भी कड़वे हैं। हमारी संस्कृति अलग है, जो भारतीय संस्कृति है वो क्या कहती है, सबसे बड़ा पुण्य कार्य क्या है, मन वाणी कर्म से किसी का दिल न दुखाना, परोपकारा पुण्य आया पापाए पर पिंडना। हमारी संस्कृति हमें राम बनना सिखाती है। आप देखिए राधा कृष्ण सीरियल में एक दृश्य बहुत अच्छा था, मैंने देखा श्री कृष्ण को वृषभान जी बहुत बुरी तरह से फटकारते हैं और श्री कृष्ण सिर नीचा करके सब सहन करते हैं। उस धन में अक्षरातीत का वेश है, चुटकी बजाते ही सब कुछ हो सकता है। अयन के पिता बुरी तरह फटकारते हैं लेकिन श्री कृष्ण अपना ऐश्वर्य कभी प्रकट नहीं करते, ये महानता की पराकाष्ठा है। सब कुछ सहन कर सकते हैं, सब कुछ कटु शब्दों को सहन करते हैं, मुस्करा रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताते कि देखो मेरा रूप, मेरा ऐश्वर्य क्या है। एक सामान्य व्यक्ति जब किसी से झगड़ता है तो क्या बताता है कि मेरे बराबर तुम कहाँ हो सकते हो, मेरे घर इतनी संपदा है, मेरे घर ये है। जब दो आदमी लड़ते हैं तो देखिए एक दूसरे को अपशब्दों से संबोधित करते हैं, लाठियों से मारते हैं और नहीं तो रिवाल्वर निकाल लेते हैं, कुल खानदान के नाम पर, धन के अहंकार में, पद प्रतिष्ठा के नाम पर। इसे मनुष्य महान नहीं बनता है। महानता क्या है, हम सबके लिए कल्याणमय चिंतन करें, जो मीठा करे विचार, सबके हृदय में हम चेतना को देखें। आज जो होली का त्यौहार है इसको प्रेम का त्यौहार कहा जाता है। आज के दिन हर कोई प्रेम के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, जाति पाति का बंधन तोड़ देता है, ब्राह्मण और दलित में कोई भेद नहीं रह जाता, और ये तो होना ही नहीं चाहिए। तत्र का हमो आकाशो का यो एकत्व मन पश्चात, सबके अंदर एक चेतना को हम देखें। छोटा बच्चा हो, वयोवृद्ध हो, युवा हो, बाल हो, जिस दिन सबके अंदर हम आत्मा की दृष्टि से देखने शुरू करेंगे कि उसके अंदर भी तो वही आत्मा है। नीति का कथन है, आत्मने प्रतिकूलान परिणाम न समाचरित, हम दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम उसके साथ चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी कोई प्रधानमंत्री किसी देश का आ जाए और यहाँ जितने लोग हैं सबको कहे कि सबको डंडे नडे मारो, उसको तो अधिकार है, सारी सेना उसके अधीन है, करवा सकता है, लेकिन ये जो कालिख लग जाएगी उस कालिख को कोई मिटा नहीं सकता। महानता कैसे होती है, जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ, वाणी की चर्चा में कोई राजनीतिक उदाहरण नहीं देना चाहिए, लेकिन आज एक चीज मैं कहूँगा। एक बार कुंभ का मेला लगा था शायद, तो प्रधानमंत्री ने भंगियों के पैर धोए थे। इसको राजनीतिक स्टैंड नहीं देना चाहिए, ये महानता है कि इस देश का प्रधानमंत्री भंगियों के पैर धोता है। किसी राष्ट्रपति से कहिए कि भंगियों के पैर धोगे, कोई नहीं धो सकता, कोई अपने पास नहीं बैठने देगा। भंगियों के पैर धोने से उनका कद छोटा नहीं हुआ, ये महान व्यक्ति ऐसा कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी बहुत महान है, मैं उनके गुण नहीं, किसी शत्रु में भी कोई अच्छाई हो तो उसकी अच्छाई को देखना चाहिए। भगवान कृष्ण ने क्या किया, सबके चरण धोए। ये युधिष्ठिर के राजसूय में जूठी पतले उठाए, आप सुंदर साथ वार्षिकोत्सव में आते हैं सेवा से, काफी सुंदर साथ ऐसे हैं जो जी चुराते हैं, यही सोचते हैं कि अरे मैं बड़े घर का हूं। अभी गुजरात में 100 दिन की जागनी यात्रा रही है और गुजरात के सुंदर साथ से उत्तर भारत के सुंदर साथ को सेवा भावना सीखनी होगी, विनम्रता सीखनी होगी। हम एक हफ्ते तक राजकोट के जिस फार्म में ठहरे थे, मुकेश भाई का वह फार्म था, जानते हैं उन्होंने सिटी के अंदर जो जमीन सेवा में दी है उसका दाम 12 करोड़ है, भेंट में दिया है करोड़ों की संपत्ति। और वो सुंदर साथ इतना धनवान था लेकिन उसके कपड़ों से आप नहीं पहचान सकते, कोई अहंकार नहीं, और सबके जितने वहाँ टॉयलेट थे
सबको अपने हाथों से धोते थे। मुझे नहीं लगता कि उत्तर भारत का कोई सुंदर साथ इतनी विनम्रता दिखा सकता है। उन्होंने 7 दिन का सारा खर्च अकेले उठाया, 1,40,000 की सेवा उल्टी की और सबके टॉयलेट अपने हाथों से साफ किया और सोने के लिए कहीं छिप करके सो जाते थे। वार्षिकोत्सव पर आएंगे आप नहीं पहचान पाएंगे कि यह व्यक्ति इतना धनवान होगा, इतना विनम्र होगा। यही तो महानता है। ज्योत्सना बहन ने सवेरे से लेकर शाम तक, रात्रि तक 5-6 बजे उठ जाना, रात की कभी 12 बजे सोती है, कभी 1 बजे सोती है, सवेरे चिंता, सबकी चिंता करना। यहाँ तो वार्षिकोत्सव में झगड़े होते हैं कमरे के लिए, पलंग के लिए, सब चाहते हैं कि तुझको मिले चाहे ना मिले, मुझे मिले। महानता क्या होती है? हम दूसरों के बारे में सोचें। हम दूसरों को प्रेम देंगे तो हम महान होंगे, हम केवल अपने बारे में सोचें। देखिए, देवता और असुर किसको कहते हैं? देवता क्या करते हैं? दूसरों को केवल देना जानते हैं। अपना भोजन, जैसे जो देव पुरुष होगा क्या करेगा? सामने देखा है कि कोई भूखा जा रहा है, स्वयं नहीं खाएगा या आधा देगा, सोचता है कि आधा में भी काम नहीं चलेगा, सारा देगा। रंति देव 59 दिन तक भूखे रहे, 59 के दिन लगभग आसपास। जब 60वां दिन हुआ, कहीं से उनको भिक्षा में कुछ अन्न मिला। जैसे ही भोजन करने के लिए थाली के पास बैठते हैं, एक भिक्षुक आ गया, कहता है कि मैं तो बहुत दिनों से भूखा हूँ। रंतिदेव खाए नहीं, वो सारा भोजन उसको खिला दिए, स्वयं पानी ग्रहण कर लिया। न जाने कितने लाखों वर्ष व्यतीत हो गए, रंतिदेव की कहानी आज तक है। असुर क्या करेगा? दूसरों का छीन छीन कर अकेले खाएगा, ये असुरत्व है। देवत्व क्या है? हम दूसरों को खिलाएं। तो आप सब सुंदर साथ तो परम धाम की ब्रह्मात्मा है, आपकी गरिमा किस में है? आप दूसरों के कल्याण के बारे में सोचिए, किसी को मन से किसी का बुरा न सोचिए, ऐसी कोई वाणी न बोलिए जिससे किसी का हृदय दुखी हो। आचरण कैसा होना चाहिए? आपके किसी भी व्यवहार से किसी के हृदय को यदि पीड़ा पहुंचती है तो ये ब्रह्मात्मा का लक्षण नहीं होता है। जिस दिन आप अपने हृदय को महान कर लेंगे, उस दिन आपको आँखें मूंदने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका हृदय इतना कोमल हो चुका होगा कि उसमें राजी के चरण कमल पड़ेंगे। मोमिन दिल कोमल कहया तो अर्श पाया किताब। आज होली के दिन मैं देश विदेश के सभी सुंदर साथ से आग्रह करता हूँ कि इस चौपाई को अंगीकार करें। मीठी रूह लेवे मीठे अर्श की, जो मीठा करे विचार। परम धाम माधुरता का सागर है, प्रेम का सागर है, उसकी अनुभूति करना चाहते हैं तो मीठा करे विचार अपने हृदय में। मन में भी किसी के लिए कड़वाहट न रखिए, वाणी से भी किसी को कटु वचन न बोलिए और व्यवहार से भी कटु वचन न बोलिए। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी आत्मा के लिए जागने का मार्ग खुल जाएगा। और मैं आशा करूंगा कि सब सुंदर साथ मेरे इस निवेदन को स्वीकार करेंगे, और मैं आशा करता हूं कि आप सुंदर साथ भी यहां से जाएंगे तो ये संदेश लेकर जाएंगे कि कभी भी किसी को कटु वचन न बोलिए, पीठ पीछे किसी की निंदा न कीजिए। यदि आपको किसी में कमी दिखाई देती है तो सीधे अकेले में मिलकर उसका समाधान कीजिए। किसी का अनिष्ट न सोचिए, न कहिए और न करिए।